साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने कलम अपने चैनल पर। साथियों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर हम पूरी बात आराम से करने वाले हैं। चेकलिस्ट ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा, पूरी बात चेकलिस्ट कैसे भरे, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, कितनी प्रतियों में चाहिए, ओरिजिनल कौन से चाहिए, कब के बने हुए होने चाहिए, आपके जितने भी सवाल है हर डॉक्यूमेंट को लेकर, आपके इंस्टाग्राम पर जो सवाल आ रहे हैं उन सभी को मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा। वहां पे सभी के जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूँ, बहुत से साथी जैसे जैसे समय मिल रहा है मैं वहां पे भी देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी वहां पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आईडी आपको यहाँ पे दी गई है। देखिए चेकलिस्ट कैसे भरें, वो पूरी बात मैं आपको चेकलिस्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरी दिखा के बताऊंगा, ठीक है, किस प्रकार से भरनी है पूरी, फिर कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है वो बात करेंगे, कब के बने हुए, सभी सवाल इस वीडियो में हम करने वाले हैं आराम से। लास्ट तक एक बात देख लेना, कोई भी रिस्क नहीं लेनी है, एक वीडियो विशेष रूप से और बना दूंगा किन किन में बाहर किया जा सकता है, कल आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो भी आप एक बार देख लेना। तो साथियों शुरू करें उससे पहले एक बार सभी लाइक करके शेयर कर दें इसको, जिससे सभी साथियों तक सूचना पहुंच जाए। पूरा वीडियो में एक डॉक्यूमेंट को लेकर रहेंगे, कोई कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इससे पूरा आपके कंफ्यूज दूर होने वाला है। उसके अलावा आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर आज भी क्लिक कर लें, जिससे सभी सूचनाएं सभी वीडियो आपके पास पहुंचते रहे साथियों, ठीक है, आपके सभी सवालों के जवाब हम देते रहेंगे। अगला वीडियो हम बनाएंगे 18 नंबर, ठीक है, उसमें आप जरूर देखें। उसके अलावा कमेंट बॉक्स ओपन कीजिए, पूरी पीडीएफ चेकलिस्ट की मैं आपको टेलीग्राम पे भेज रहा हूँ, टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर ले अपनी कलम अपनी आवाज, वहाँ पे जुड़ सकते हैं, ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे पीडीएफ भेज रहा हूँ चेकलिस्ट की, पूरी पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो शपथ पत्र होंगे घोषणा पत्र होंगे सभी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, जिससे वो विभाग जारी करेगा जो मेरे पास उपलब्ध है, ठीक है। तो टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आपको एक तो सर्च करके जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, या अपने कमेंट बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में अपना ऐप का लिंक भी है, वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं साथियों, ठीक है। देखिए शुरू कर रहे हैं चेकलिस्ट के बारे में, सबसे पहले मैं आपको उस चेकलिस्ट के माध्यम से मोबाइल की स्क्रीन से स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, चेकलिस्ट को पूरा भर के बताता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है, चेकलिस्ट कैसे भरना है, ठीक है, सभी अन्य सवाल है वो चेकलिस्ट के माध्यम से ही दिया जाएगा। तो एक बार अंत तक आप सभी साथी देखते रहें और इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। तो साथियों देखिए हम यह बात कर रहे हैं लेवल वन और लेवल द्वितीय, लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय। सामान्य विशेष शिक्षा हेतु अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरी जाने वाली सूचना जो उस पर लागू है उस पर टिक करें, उसमें क्रम संख्या अपनी किस प्रकार से बढ़नी है पूरी बात, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए पूरी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं साथियों, ठीक है। पूरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दी हुई हैं, ये 2022 जो आपकी भर्ती है 2023 वाली जो हुई थी उससे संबंधित, ये नया जो नई चेकलिस्ट जारी हुई है वो उससे संबंधित हम बात करने वाले हैं, पूरी बात आराम से करेंगे कैसे बढ़नी है, कौन से डॉक्यूमेंट, सभी कन्फ्यूज, एक एक दस्तावेज के बारे में हम बात करेंगे विस्तार से, ठीक है। तो सभी साथी इसको शेयर कर देंगे, एक एक डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपके जितने भी सवाल आए हैं पूरे डॉक्यूमेंट्स को लेकर हम आराम से चर्चा करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए दस्तावेज सत्यापन का जिला, अब यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन का जिला कौन सा होगा, जो आपका गृह जिला आपने भरा था, जो होम डिस्ट्रिक्ट आपने भरा था साथियों उसी जिले में आपका दस्तावेज सत्यापन होना है ऑफलाइन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूँ कि आपको एक तो ओरिजिनल सेट रखना है, ठीक है, ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट्स का सेट रखना है, सभी उसी प्रकार से उसके 3 सेट बनाने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल ले रहे हैं उसी प्रकार से आपके 3 सेट मतलब और जो आपकी फोटोकॉपी है उसके बनाने हैं, तो 1+3=4 हो जाएंगे आपका, ठीक है, 4 सेट बनाने, 1 ओरिजिनल का हो जाएगा, 3 अलग से कॉपी बनानी है, उसी क्रम में बनानी है जिस क्रम में इस चेकलिस्ट में दी हुई है, इस चेकलिस्ट में जिस क्रम से दी हुई है जो जो आपके साथ में लागू होती है वो उसी क्रम में, जिस प्रकार से आप चेकलिस्ट भरते हैं उसी क्रम में आपको सेट करना है उनको। अब देखिए कैसे बने वो भी बात हम करेंगे। पहले अभ्यर्थी के रोल नंबर, जो आपके रोल नंबर थे वो थर्ड ग्रेड फॉर्म आपने जो भरा था तो जो थर्ड ग्रेड एग्जाम देती है उसमें जो रोल नंबर थे वो आपके, आपके क्षेत्र TSP non-TSP वो आपको यहाँ पे भरने हैं, आपको भरना है कौन सा है, आवेदन क्रमांक एप्लीकेशन नंबर जो आपके यहाँ पे वो भरने हैं, उसके बाद अभ्यर्थी का नाम भरना आपका, फिर माता का नाम, यहाँ पे पिता का नाम, आधार क्रमांक, जन्मतिथि ये भरनी है, यहाँ पे विषय आपके लेवल द्वितीय यदि है तो विषय वो भरनी है, उसके बाद वर्ग, अब देखिए वर्ग में इसमें दिया हुआ है श्रेणी जो आपके हैं उस पर जो श्रेणी उस पर टिक करना है, ठीक है, जिसमें आपको बढ़ना है वो आप अपनी टिक कर देना, उसके बाद में जमा आवेदन शुल्क की राशि, जमा आवेदन शुल्क आपने कितना जो फॉर्म भरा था उसमें आवेदन शुल्क कितना दिया था वो उसकी राशि बढ़नी है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एक ही डॉक्यूमेंट की पूरी बात हम करेंगे साथियों, आवेदन ऑनलाइन आवेदन की प्रति, अब देखिए ऑनलाइन आवेदन की प्रति कौन सी बढ़नी है, रीट वाली इसमें नहीं बढ़नी है, जो थर्ड ग्रेड आपने फॉर्म भरा था साथियों उसकी प्रति आपको बढ़नी है, जो आपके 19 जनवरी लास्ट डेट थी वो फॉर्म भरा था ना आपने उसी आवेदन की प्रति आपको बढ़नी है, यदि नहीं है तो आप SSO IT के माध्यम से आप उसको दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट ले सकते हैं, 3-4 कॉपियों में ले लें। अब देखिए ये आवेदन की प्रति आप 3 सेट बना रहे हैं तो सभी के ऊपर उसी प्रकार से होना चाहिए। अब देखिए आपको बढ़ने क्या क्या हैं, उसमें आपको सबसे पहले संलग्न जो संख्या है वो बढ़नी है इसमें, अब आप में पहले स्टार्ट में आप समझ लीजिए इसको, आपकी जैसे इसमें ये लागू होती है आपकी
ओला 90 दिन प्रति सभी को चाहिए, तो आप इसमें एक नंबर लगा देना। सर लग लें सब स्वप्रमाणित, इसमें आप लिख देना हाँ कि आप सभी प्रतियाँ आपकी स्वप्रमाणित, सभी पे आपको हस्ताक्षर करने, जितने भी कॉपी आप लगा रहे हैं ओरिजिनल पे करने नहीं है, आप जितने भी कॉपी सेट बना रहे हैं उसमें सभी में आप सभी पेज भी आपके साइन होने चाहिए, तो सभी में आप हाँ भरने हैं। और आगे वाले इसमें आपको खाली छोड़ने हैं सभी, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं भरना, आपको केवल दो कॉलम भरने हैं। अब देखिए किस प्रकार से भरने, वो हम देख लेते हैं। अब जो आपके लागू होती है उसी क्रम में आपको भरना है। जैसे आपके ऑनलाइन आवेदन की प्रति आपके पास में है, तो आपको पहला ये एक नंबर लगाना है इसमें यहाँ पे, और यहाँ पे इसमें हाँ भर दिया, ठीक है। अब दूसरा क्या है, विस्तृत आवेदन की प्रति, ठीक है। तो विस्तृत आवेदन की प्रति आपके कौन सी है, उसी प्रकार से वही हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रति जो आपने एसएससी डाउनलोड की, और विस्तृत आवेदन मतलब दो तीन पेज में जो है वो आपको उसमें लगानी है, तो इसमें भी दो नंबर लगा दें और उसमें हाँ भरें। आधार कार्ड की प्रति, ठीक है, आधार कार्ड की प्रति इसमें आप क्या करें, इसमें आपको तीन नंबर लगाना है, जो आप सभी लागू हो रहा है। देख लीजिए ऑनलाइन आवेदन की प्रति आपको बनानी है, और विस्तृत आवेदन की प्रति इसमें भी लगानी है, मतलब आपके दो पेज तीन पेज जितने भी आ रहे हैं वो आप उसके साथ में लगाना है, ठीक है। आधार कार्ड की प्रति तीन नंबर लगाएं और उसमें हाँ भर दें, ठीक है। उसके बाद में देखिए साथियों, एक बार मैं थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेता हूँ, उस कलम की साइज़ को। अब देखिए माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका और प्रमाण पत्र की प्रति, अब देखिए कक्षा 10 माध्यमिक मतलब कक्षा 10 की अंक तालिका मार्कशीट और प्रमाण पत्र। अब देखिए जो 2009-10 के बाद में जिन्होंने भी कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उसमें तो आजकल जो आते हैं वो मार्कशीट और प्रमाण पत्र वो दोनों साथ में आते हैं, उसमें लिखा हुआ होता है अंक तालिका प्रमाण पत्र सहित, इस प्रकार से लिखा हुआ होता है। प्रमाण पत्र यदि उसमें दिया हुआ है, फोटो सहित आपका यदि है तो प्रमाण पत्र ही है। जिस मार्कशीट में फोटो नहीं है इसका मतलब उसमें प्रमाण पत्र साथ में नहीं है। तो आपको क्या करना है, माध्यमिक परीक्षा और आपके यदि प्रमाण पत्र अलग से हैं तो दोनों की लगानी है। तो उसमें आपको क्या करना है, इसमें चार नंबर भरना है, उसमें हाँ कर देनी है दोनों की, ठीक है। अब अगला, यहाँ पर जैसे चार नंबर आ गया था इसमें हाँ भर दिया आपने, उच्च माध्यमिक 12वीं, इसमें आपको क्या करना है, 12वीं का जो अंक तालिका वो बढ़नी है, साथ में लगानी है ओरिजिनल, और उसी प्रकार से तीन सेट कॉपी के बनाने हैं, ठीक है। प्रमाण पत्र सहित वो 12वीं में प्रमाण पत्र आते हैं तो वो आपके साथ में आते हैं, तो साथ में अलग है तो अलग, ठीक है। तो वो उसमें भी क्या करना है, हाँ करना है। आगे वाले आपको कुछ नहीं करना है इसमें। अभी उच्च माध्यमिक परीक्षा के पूर्णांक यहाँ पर देखिए, उच्च माध्यमिक परीक्षा के पूर्णांक बढ़ने हैं आपको यहाँ पर। देखिए पूर्णांक आपने पूर्णांक कितने थे, 600-650 जो भी थे वो बढ़ने हैं। प्राप्तांक उसमें से आप कितने अंक प्राप्त किए और प्रतिशत आपके कितने बन रहे हैं, ठीक है, वो आपको बढ़ने हैं। और उसमें यहाँ पे 6 नंबर था तो यहाँ पे आपको 7 नंबर लगाने हैं और आपको इसमें हाँ करना है, ठीक है। अब स्नातक समकक्ष परीक्षा के समस्त वर्षों सेमेस्टर की अंक तालिका, अब देखिए स्नातक यदि आप लेवल 2 से हैं, यदि आप लेवल 1 से हैं और आपने इसमें स्नातक भी साथ में आपने कर दर्शाया है, तो आपको वो भी इसमें बढ़नी है और 8 नंबर लगाना है, ठीक है, उसमें हाँ करना है, ठीक है। अब स्नातक समस्त वर्षों की आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों की लगानी है ओरिजिनल भी, और तीनों सेट में कॉपी भी लगानी है, और उसमें आपकी प्रमाण जो उपाधि है डिग्री है उसकी प्रति भी उसके पीछे लगानी है ओरिजिनल, और उसके आपके कॉपी सेट बना रहे उनमें भी, ठीक है। यदि आपके पास उपलब्ध जो उपाधि है डिग्री है उपलब्ध नहीं है, तो आप यूनिवर्सिटी जाइए और वहाँ से आप प्रोविजनल ले आइए साथियों। क्या ले लेना है, प्रोविजनल आप सर्टिफिकेट वहाँ पर वो देंगे, ठीक है, वो आप लगा दीजिए, वो चल जाएगा। जब डिग्री है तो डिग्री बाद में करवा देना, ठीक है। उसके बाद में स्नातक, अब आपके कितने प्रतिशत आपने प्राप्त किए हैं, पूर्णांक उसमें कितने थे, 1800 थे, प्राप्तांक आपने कितने थे, प्रतिशत कितने बन रहे हैं, वो भी इसमें हाँ भरना है। अब देखिए 8-9 नंबर इससे आपके, अब देखिए क्रम जो आप लगा रहे हैं, अब आप जैसे कोई फर्स्ट लेवल का है आपके हैं, जैसे आपके फर्स्ट लेवल है, अब आपके BA की भी नहीं है, आपने स्नातक की भी नहीं है, तो आपके जैसे यहाँ पर 7 नंबर आया, ठीक है, यहाँ पर जैसे 6 नंबर आया आपके यहाँ पे उच्च माध्यमिक का, ठीक है। अभी आपकी स्नातक है ही नहीं फर्स्ट लेवल के, तो आपको 6 के बाद में यहाँ पे नीचे क्या करना है, सीधा ये आपके स्नातक भी नहीं है, स्नातकोत्तर भी नहीं है, तो आपको सीधा यहाँ पे क्या करना है, 6 के बाद में सीधा यहाँ पे रीट वाले पे साथ लगा सकते हैं। बीच में जो छोड़ रहे हैं उनको आपको गिनना नहीं है, तो आप फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल से जो आपके काम में नहीं आ रहा कॉलम उसको आपको गिनना नहीं है, अगले में वो क्रम संख्या आप क्रम से चलानी है। जो आप क्रम संख्या भर रहे हैं वो आप जिस सेट में चला रहे हैं उसी क्रम में आपको चलानी है, समझ गए होंगे मेरी बात। अब यहाँ पे देखिए स्नातक विषय जो परीक्षा थी उसमें ऐच्छिक विषय कौन कौन से, तीन बार जो आपके तीन ऐच्छिक विषय होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, होते थे आप जो आपके कौन कौन से हैं वो आपको भरने, जैसे हिंदी अंग्रेजी या आपके जो भी इतिहास वो सब्जेक्ट तीन चाहिए हैं वो आप इसमें भरें, उसमें क्रम संख्या भरें हाँ भर दें, ठीक है। अब क्रम संख्या उसमें सेम ही रह जाएगी स्नातक की, ठीक है, स्नातक के तीन कॉलम आ गए तो उसी में वही क्रम संख्या रहने दें एक ही, और सीधा आपके स्नातक जो आपके MA है उसमें आ जाएँ, ठीक है। जैसे MA का अगला कॉलम है उसमें क्रम संख्या अगली भर दें, ठीक है,
अब हमें आपने दिखा ये फॉर्म में, आपको वही भरना है, वही आप डॉक्यूमेंट लगाने हैं जो आपने फॉर्म में दिखाया है। यदि आपने शैक्षणिक योग्यता में एमए दिखाई है तो आप एमए की जो दोनों साल की मार्कशीट है और उसकी डिग्री है वो लगानी है, उसमें क्रमशिका भरनी है और यहाँ पे हाँ भर देना है। ठीक है साथियों, समझ गए होंगे। अब उसमें आपके पूर्णांक प्राप्तांक कितने थे एमए में, वो उसमें केवल भर देना है, ठीक है, और आगे चलना है। अब उसके बाद से आप लेवल प्रथम, यहाँ पर देखिए लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद के लिए डीएलएड बीएलएड, अब यहाँ पर देखिए लेवल प्रथम में सामान्य शिक्षा के लिए आपके बीए जो डीएलएड आपके हैं तो उसमें क्रम संख्या बढ़नी है, उसमें हाँ बढ़ना है और वो मार्कशीट आपके तीनों में लगानी है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर डिग्री वो सभी उसमें लगानी है। इसमें आप देखिए फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर एमए की हो चाहे स्नातक की हो, ठीक है, तो उस दोनों सालों की लगानी है। 12 में आपको फर्स्ट कक्षा 11 की नहीं लगानी है, लेकिन आप स्नातक की भी लगा रहे हैं तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल की लगानी है, डिग्री लगानी है, ठीक है। 12 में केवल 12 और उसकी जो प्रमाण पत्र साथ में वो लगाना है। अब देखिए यहाँ पे स्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021-22 की प्रमाण पत्र की जो प्रवृत्ति है, आपकी जो रीट वाली मार्कशीट है वो यहाँ पे लगानी है, क्रम संख्या क्रम से जो आपका क्रम चल रहा है यहाँ पे हाँ भरना है। अब देखिए स्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण लेवल प्रथम लेवल द्वितीय दोनों स्तर में, अब ठीक है, आपकी यदि दोनों स्तर में आपके जो लेवल है वो उसमें भरना है और आगे हाँ करना है इसमें, ठीक है। यदि आप लेवल प्रथम से किए तो लेवल प्रथम, लेवल द्वितीय से है तो लेवल द्वितीय इसमें चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है, दोनों से हैं तो आप इस दोनों में चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है साथियों। इस प्रकार से फिर आप राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल प्रथम लेवल द्वितीय के प्राप्तांक, अब आपने 150 में से कितने आपके प्राप्तांक थे उसमें प्रतिशत आपके कितने बन रहे हैं, ठीक है, वो आप क्रम संख्या वहाँ भर देना। स्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल द्वितीय के विषय में, अब आपका विषय भाषा प्रथम कौन सी थी, भाषा सेकेंड कौन सी थी और आपके क्या वो सब्जेक्ट था, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान विज्ञान अध्ययन से है तो इस पर टिक लगाएं या विज्ञान गणित से है तो इस पर टिक लगाएं। आगे इसमें क्रम संख्या आपकी वही रहेगी, ठीक है, उसमें आप न भरें तो सीधे अगली भर सकते हैं क्योंकि कॉपी वो आपकी वही लगनी है। आप यहाँ पे क्रम संख्या कौन सी भर रहे हैं, जैसे आप भर रहे हैं मैंने आपको बताया कक्षा 12 की आप परसेंट भर रहे हैं तो उसके आप क्रम संख्या न भरें, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रति तो वो एक ही लगनी है, यहाँ पर आपको केवल भरवाया जा रहा है आपसे कि आपकी भाषा प्रथम कौन सी थी, तो जो क्रम संख्या है आपने जैसे रीट में भर दिया अभी यहाँ पे वो पात्रता वाला भर दिया, यहाँ पे मार्कशीट लगा दी, यहाँ पे लगा दी, ठीक है, जिस जो आपके जैसे मैं बात करूँ 11 नंबर आपने यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको 11 नंबर लगाने की आवश्यकता या तो 11 नंबर लगा दें या इसको खाली छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि वही क्रम संख्या आपकी एक ही है, मार्कशीट तो वही लगनी है, प्रति तो वही लगनी है। उसके बाद में भाषा प्रथम आपकी कौन सी थी वो टिक लगाना है, आपको हाँ करना है, स्वप्रणित में हाँ कर देना है, इसको खाली छोड़ देना है। अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद के लिए, ठीक है, सामान्य शिक्षा की बात करें तो डीएलएड बीएलएड में प्रयोगस्थिति जो आपकी इसकी प्रयोगस्थिति थी वो आपको यहाँ पे बढ़नी है साथियों, आपकी जो कॉलेज में आपकी प्रयोगस्थिति थी वो यहाँ पर बढ़नी है और उसकी जो प्रति है वो यहाँ पर लगानी है, उसकी क्रम संख्या लगानी है और हाँ बढ़ना है। अब आगे देखिए अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा के पद के लिए, ठीक है, विशेष शिक्षा के पद के लिए या आपकी जो आपकी डिग्री है वर्कशीट है वो यहाँ पे लगानी है और आपकी बढ़नी है क्रम संख्या। अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा के पद के लिए डीएलएड विशेष शिक्षा एमआर एचआई की प्रयोगस्थिति वो आपको यहाँ पे बढ़नी है, जो आपकी प्रयोगस्थिति थी, ठीक है, और वो उसकी प्रति यहाँ पर लगानी है, क्रम संख्या लिखनी है। अध्यापक लेवल द्वितीय सामान्य शिक्षा के लिए डीएलएड बीएलएड बीएड बीएड यहाँ पे आपको हाँ करना है, दोनों साल की मार्कशीट की कॉपी इसमें लगानी है, ओरिजिनल भी रखनी है, जितनी प्रति आप बना रहे हैं वो बना में तीन बना रहे हैं तीन कॉपी लगानी है, ओरिजिनल भी लगानी है, तीन सेट बना लेना, अलग अलग फाइलों में सेट कर सकते हैं, फिर यहाँ पे आपको हाँ भरना है। अब देखिए आगे अध्यापक लेवल देती है सामान्य शिक्षा के पद के लिए बीएड जो आपने कर रखी है बीए बीएड है जो भी है उसमें आपकी प्रयोगस्थिति है वो आपको यहाँ पे बढ़नी है, उसमें भी प्रति है, उसमें यहाँ पर क्रम संख्या लगनी है, जो क्रम संख्या आपकी चल रही है और उसमें आपको हाँ भरना है। आगे देखिए ये नई सूचना ही है, आराम से विस्तार से देख लें एक बार। अध्यापक लेवल द्वितीय विशेष शिक्षा के लिए, ठीक है, वो आपकी विशेष शिक्षा से आपने बीएड किया तो वो आपको प्रति लगानी है और यहाँ पे हाँ लिखना है, इसमें आपकी प्रयोगस्थिति है विशेष शिक्षा में तो वो लगानी है उसकी प्रति और उसमें हाँ लिखना है। विशेष शिक्षा के पद हेतु भारतीय पुनर्वास आरसीआई से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर लगाना है साथियों, यहाँ पर लगाना है, ये अनिवार्य है। मूल निवास प्रमाण पत्र, अगला देखिए मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति। अब देखिए ये प्रवेश जो तिथि है इसमें जो मांगी गई है वही आपको लगानी है, बीएड की मांगी है तो बीएड की प्रवेश तिथि लगानी है, ठीक है। चरित्र की मैं बात करूँगा वो आगे आएगा, मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति आपको लगानी है, सभी को मतलब अपने खुद के हस्ताक्षर वहाँ पे करने हैं। अब देखिए आपके पास मूल निवास की मैं बात करूँ तो आपके पास में डिजिटल वाला मूल निवास होना चाहिए, मतलब उसमें फोटो सहित वो पीले रंग का जो मित्र वाला आता है वो आपके पास में बना हुआ होना चाहिए मूल निवास, एक बार आपने बना लिया तो उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहती है साथियों। अब इसका सामान्य सा नियम ये कि सर मैंने अभी बनाया है, पहले का मेरे पास बनाया हुआ नहीं है,
तो क्या करें, या मैं नया बनवाऊँ पुराना है तो नया तो बनाना नहीं, यदि पुराना डिजिटल है तो, या आप नया बनवा रहे हैं अभी, तो देखिए नियम तो यही कहता है उस आधार पर कि आप जो फॉर्म की लास्ट डेट थी 19 जनवरी, उससे पहले पहले के पास में आपकी योग्यता होनी चाहिए। जैसे आप वहाँ से मूल निवासी राजस्थान के 19 जनवरी जब आपने फॉर्म भरा, उससे पहले भी आप राजस्थान के निवासी थे, उस प्रकार से आप उनको दिखाना है। किसी भी परिस्थिति में साथियों आपके पास में उपलब्ध नहीं होता है, आपने नया बनवा लिया, तो आप साथ में किसी भी प्रकार 50 रुपये का एफिडेविट हो साथ में लेकर जाएँ, अन्यथा आपको कुछ भी बाहर कर दिया जा सकता है इस प्रकार से। तो थोड़ा सी सावधानी बरतें एफिडेविट संबंधित, कि आप जहाँ तक आपके पास डॉक्यूमेंट बना रहे हैं आप, तो आप विज्ञप्ति की लास्ट डेट थी उससे पहले की ही आपके पास में होने चाहिए। इस जैसे जाति वाले बात करें तो वो आगे जब आएगी तो वो भी बात करेंगे किस प्रकार से उसकी वैधता बढ़ानी है। और देखिए एक बात मूल निवास को ये हो गया, अब जो आपने फॉर्म में एड्रेस भरा था उसी आधार पे आपका मूल निवास लगभग उसी एड्रेस पे, नॉर्मल मिस्टेक हो सकती है मात्रा की, वो मैंने वार्ड संख्या नहीं भरी, वो नहीं भरी, वो तो देखिए नॉर्मल बात है, लेकिन जो गाँव तहसील जिला आप भर रहे हैं वो आपकी जो फॉर्म में थी उसी प्रकार से मूल निवास लगभग होना चाहिए साथियों, ठीक है। अब देखिए TSP क्षेत्र के बारे में है, इसमें आपकी TSP का मूल निवास है वो अलग से बनता है, वो आप क्रम संख्या यदि आप TSP से तो वो भरें, अन्यथा क्रम संख्या को छोड़ते हुए सीधा यहाँ पे अगली क्रम संख्या भर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आर्थिक रूप से कमज़ोर आप EWS हैं तो ही इसको भरना है, वरना इसको छोड़ सकते हैं और अगर अपने जाति वाला आगे का भरें, ठीक है। तो EWS के जो भी साथी हैं उसके देखिए यहाँ पर क्रम संख्या बढ़नी है और आपको इसमें हाँ भरना है। अब EWS को लेकर बात करें, आपके जो सवाल आ रहे हैं साथियों EWS के, सबसे पहले तो आपकी निर्धारित जो आपकी वैधता अवधि है उसमें वो होना चाहिए 19 जनवरी आपके थी साथियों लास्ट डेट फॉर्म की, 19 जनवरी से आप काउंट करें, उससे पुराना एक साल पुराना नहीं होना चाहिए, 19 जनवरी से एक साल पुराना नहीं होना चाहिए, वो आप लगा सकते हैं। अब यदि पुराना हो चुका है ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं आपको उसका एक फॉर्मेट भेजता हूँ शपथ पत्र का, वो आप साथ में भरें, नोटरी करवाएँ और साथ ही उसको लगा दें, जिससे आपकी वैधता बढ़ सकती है, ठीक है। आपकी जो विज्ञप्ति आई थी उसमें दिया हुआ है आप 3 साल तक उसकी वैधता बढ़ा सकते हैं, चाहे आप OBC से हैं, EWS से हैं साथियों, चाहे MBC से हैं, उसी प्रकार से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगली बात हम करें, देखिए जाति प्रमाण पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, ठीक है, अति पिछड़ा वर्ग SC और ST शहरी आदि की, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए वैध अवधि का प्रमाण पत्र होना चाहिए साथियों, इसमें 19 जनवरी वही है लास्ट डेट, और साथियों उससे एक साल पुराना नहीं होना चाहिए, यदि हो चुका है एक साल नहीं, यहाँ पे आप 6 महीने आपको लेके चलने, आपको कितने 6 महीने, इसमें 6 महीने से अधिकतम पुराना नहीं होना चाहिए, यदि अधिकतम पुराना है तो आपको क्या करना है, वो शपथ पत्र लगा देना साथियों, 6 महीने से अधिक पुराना है तो शपथ पत्र जो मैं फॉर्मेट भेज रहा हूँ टेलीग्राम पे सभी साथी जुड़ जाएँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर आपको PDF मिलने वाली है सभी, तो वो शपथ पत्र आपको साथ में लगा के उसकी वैलिडिटी है वो बढ़ा सकते हैं साथियों, ठीक है। एक बात हो गई है। अब इसी प्रकार SC ST की बात करें, SC ST में बात करें साथियों, तो SC ST आपके पास में डिजिटल है, ठीक है, डिजिटल बनाया हुआ है पीले रंग के बाद फोटो सहित, तो आपको क्या करना, नया बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहती है साथियों, ठीक है। अब OBC की मैं बात करूँ, OBC में आपने बताया वैलिडिटी किसी प्रकार से बढ़ानी है, किसी भी प्रकार से आपको पहले का बनाया हुआ ही नहीं है साथियों, तो एक 15 अक्टूबर का आदेश मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, उसमें ये साफ दिया हुआ है कि आप यदि अंतिम तिथि के बाद का प्रमाण पत्र आपके OBC EWS आदि का जारी करते हैं या आपको दिखाते हैं, आप पेश करते हैं, तो आपको किसी प्रकार से बाहर नहीं किया जा सकता, यदि आप उस साथ में उससे संबंधित आपको शपथ पत्र साथ में लगाना है, वो भी मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, जो आदेश आया था वो आदेश आप साथ में प्रिंट करवा के ले जा सकते हैं साथ, ठीक है। राजस्थान की भर्तियों के लिए है वो, उसमें आप आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का यदि आप जाति प्रमाण पत्र लगाते हैं OBC EWS, तो आपको बाहर नहीं किया जा सकता, आप वो शपथ पत्र के आधार पर उसको आपको अंदर रखा जाएगा, इस प्रकार से एक आदेश आया था 15 अक्टूबर को, वो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, एक बार पढ़ लेना। तो आप शपथ पत्र से वैधता बढ़ा भी सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, दोनों ऑप्शन आपको दे दिए हैं। आगे देखिए साथियों, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पास यानी TSP एरिया के पास आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का जाति प्रमाण पत्र होने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र 17-10 के अनुसार शपथ पत्र, अब देखिए यहाँ पर देखिए साथियों, अब यहाँ पर केवल ये यहाँ पर इसमें दिया है केवल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ही दिया है, इसमें ये थोड़ा सा आप देख लेना, क्योंकि जो शपथ पत्र आप बाद का देते हैं तो उसका इससे संबंधित शपथ पत्र आपके पास में होना चाहिए 17-10 का आया वहाँ है, ठीक है। तो केवल इसमें क्या है साथियों, इसमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ही है, इसमें आपके नॉन TSP के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दें सभी साथी, जिसमें नॉन TSP से हैं उसके पास में 19 जनवरी से पहले का ही जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए साथियों, बाद का देते हैं तो इसमें देखिए TSP वर्ग के लिए आपके ये पेश कर सकते हैं। अब आगे आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों महिला पुरुष के इस आशय की स्वयं घोषणा की स्वयं तथा उसे पूर्व राजस्थान के मूल निवासी हैं, इस प्रकार का TSP के लिए। फिर विधवा की स्थिति में स्वयं की यदि आप विधवा हैं तो उसमें आपको ये
यदि जो जिसकी विधवा लागू नहीं होता तो सीधा अगला, यदि यह भी नहीं होता तो उससे अगला इसको खाली छोड़ सकते हैं। तो विधवा है उससे संबंधित आपको देखिए उसका स्वयं की स्व घोषणा, विधवा की स्वयं घोषणा एक तो उसकी पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। पति जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो भी उसकी प्रमाण पत्र, ये सभी आपके कब होना चाहिए, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र कब का जारी होना चाहिए, 19 जनवरी से पहले का होना चाहिए। लिंक दस्तावेज भी पहले का होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शपथ पत्र ये आप अभी बना सकते हैं, एक तो स्व घोषणा, एक पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, एक आपके पति से लिंक दस्तावेज जैसे आपका आधार या जनाधार या वोटर आईडी जिसमें इसमें आपके पति का नाम हो, आपका आधार जिसमें आपके पति का नाम हो वो लिंक दस्तावेज हो जाएगा। उसके बाद में आपके पुनर्विवाह नहीं करने संबंधित स्व घोषणा, आपके चार डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अलग से हो जाएंगे, उसमें आपको वो क्रम संख्या बढ़नी है, उसमें हाँ बढ़ना है, उसी क्रम में लगाने हैं जिस क्रम से आप यहाँ पे क्रम संख्या बढ़ रहे हैं, ठीक है साथियों। अब यहाँ पे पृथकता तलाकशुदा के लिए कि यहाँ पे विवाह विच्छेद की जो डिग्री है साथियों वो प्रमाणित पति और पुनर्विवाह नहीं करने संबंधित स्व घोषणा पत्र है वो आपको पेश करना है, और वो विच्छेद की डिग्री है वो आपकी 19 जनवरी से पहले की होनी चाहिए, लास्ट डेट से पहले की होनी चाहिए साथियों। क्रम संख्या आपको इसी प्रकार से बढ़ती जाना है, हाँ लिखते जाना है। संतान संबंधी स्व घोषणा आपको लगानी है, उसके फॉर्मेट में आपको दे दूंगा, ठीक है। विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी स्व घोषणा ये भी आपको लगानी है, यहाँ पे क्रम संख्या बढ़ते जाएं और हाँ बढ़ते जाएं। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसके जो अनापत्ति प्रमाण पत्र है वो, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में पूर्व राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं होने के संबंध में स्व घोषणा ये आपको लगानी है। क्रम संख्या आप यदि भूतपूर्व सैनिक है तो उत्कृष्ट खिलाड़ी यदि आप हैं तो उसका निम्नानुसार सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, और उसकी प्रति वो इस प्रकार से आपको शेयर करनी है, ओरिजिनल भी इस प्रकार से लगाना है। आपकी जांच जो होगी तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की होगी, उसके बाद में आपके एक प्रति वो रखेंगे जो आपको अभी ले जाएंगे, तीन को सेट ले जाएंगे, तीन सेट मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक आपको जिला स्तर पर जमा कराना होगा, एक आप यदि बाद में खंड स्तर पर, एक POB आपकी जो जॉइनिंग होगी वहाँ पर, तो मैं आप एक उसके अलावा भी एक एक्स्ट्रा अपने साथ में बनवा सकते हैं जो आपके पास रखें, जो आपके आदेश जारी होंगे वो आपके जहाँ तक जैसे जैसे आपके 9 साल पूरे होंगे या 2 साल पूरे होंगे, आप जो होगा स्थायीकरण होगा उसमें आपको एक एक प्रति आपको देनी होगी, तो एक एक प्रति आपको एक शेट है वो एक्स्ट्रा बना के अपने पास में रखें। अब आप दिव्यांग है तो उसके लिए आपको 2018 जो नियम है उसके आधार पर मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, वो भी 19 जनवरी के पहले का होना चाहिए साथ। अब देखिए आपराधिक प्रकरण न होने का स्व घोषणा पत्र, आपराधिक प्रकरण न होने का स्व घोषणा पत्र जो है वो आपके पास में वो लगाना है, उसकी क्रम संख्या लगानी है। आज की सेवा उपक्रम में कार्यरत होने पर नियुक्त अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र वो लगाना है, ठीक है। राज की सेवा में आपके NOC बुलानी है वो यहाँ पे लगानी है, यदि आप पहले से गवर्नमेंट सेवा में है तो। अब आप यहाँ पे देखिए आय को लेके, यदि आवेदन में आपने आय 2.5 लाख रुपये से कम की है, आप जब आवेदन भरता थर्ड ग्रेड का और आपने क्या की अपनी आय 2.5 लाख से कम की भरी है, तो आपको या तो आय प्रमाण पत्र पेश करना होगा या जितनी आय की आपने छूट ली है साथियों, ठीक है, उसका पोस्टल ऑर्डर आपको लगाना होगा, ठीक है साथियों। तो आपको क्या करना है, 2.5 लाख रुपए से यदि आपकी आय कम है उसी को आय बनाना है, सभी को नहीं बनाना। तो आपको क्या करना है, देखिए एक तो आय आपको 4 पेज वाला होना चाहिए, उसका फॉर्मेट मैं टेलीग्राम पर सेंड कर रहा हूँ, अब वहाँ पर देख लेना, उसको प्रिंट करें और उसको आप भर के नोटरी करवानी है, 2 सक्षम अधिकारी द्वारा उसको कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिसर उसे अटेस्टेड करवानी है, ठीक है, 4 पेज वाला होना चाहिए। अब आय किसके नाम से बनाएं, तो आप आय जो बनती है साथ वो परिवार के मुखिया के नाम से बनती है, परिवार का जो मुखिया होता है, जैसे आप यहाँ पे हैं लड़का लड़की है तो आप यहाँ पे पिता के नाम से भर सकते हैं, पिता नहीं है तो माता के नाम से, माता यदि या खुद आप घर का संचालन कर रहे हैं खुद मुखिया हैं तो खुद के नाम से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब आप विवाहित हैं तो अपने पति के नाम से आय का वो प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं, ठीक है। और आप मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा साथियों, OBC का जो भी अभ्यर्थी हैं, OBC का सर्टिफिकेट आप चाहे विवाहित महिला है चाहे लड़का है चाहे लड़की है, पिता के नाम से ही आपके जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए साथियों, सीधी सी बात है, पिता की जाति और आय के आधार पर आपका OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए साथियों, साफ लिखा हुआ है, वरना आपको बाहर कर दिया जाएगा। OBC सर्टिफिकेट जो आपके हैं वो आपके पिता के नाम से ही होना चाहिए जाति, ठीक है साथियों। अब देखिए ये आय वाला हो गया आपके, अब आय कब का बना हुआ होना चाहिए, आय जो है आय प्रमाण पत्र है वो कब का बना हुआ होना चाहिए, तो देखिए आय प्रमाण पत्र है वो आपका नियम तो यही कहता है कि आप जब आवेदन किया उस समय आपकी आय जो है वो 2.5 लाख से कम थी, तो उसी समय का लगभग आपको 19 जनवरी से पहले का आपको आय प्रमाण पत्र वो पेश करना है, तो जहाँ तक संभव हो आप 19 जनवरी से पहले की वो डेट है वो लगवा के आय प्रमाण पत्र बनवाएं, यदि संभव हो तो, ठीक है, वरना आप अभी का पेश भी कर सकते हैं, मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होगी। आगे देखिए शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यताओं के संबंध में स्व घोषणा कि मैंने जो डिटेल भी आप क्रम संख्या वही लगानी है, क्रम से जो चल रही है उसमें हाँ बढ़ना है कि मैं जो डिटेल आपकी शैक्षणिक योग्यता प्रशैक्षिक योग्यता जो भरी है वो सभी सही है, इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, वो आप किस प्रकार से
फॉर्मेट है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे, वो आपको भरना है और खुद के साइन करके पेश करना है। अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र। अब अंतिम शिक्षण संस्थान जो आपने रेगुलर किए साथियों, जहाँ से आपने रेगुलर, जैसे आपने BSTC कर रखी है ठीक है, तो BSTC कॉलेज का आपको चरित्र है वो पेश करना है जो आपकी मार्कशीट के साथ में मेरे हिसाब से आपको दिया होगा। आपने लास्ट में यदि BEd रेगुलर की है तो BEd कॉलेज का चरित्र देना है, या आपने जैसे BEd के बाद में MA रेगुलर की है, MA क्या की है रेगुलर की है, आपने फॉर्म में रेगुलर भरा है, MA आपको दिखाई है, आपने दर्शाई है वो रेगुलर है, तो आपको वहाँ का चरित्र देना है ठीक है। उसके अलावा यदि आपने BSTC कर रखी है, BSTC के बाद में आपने BA कर ली, क्या कर ली स्नातक कर ली, स्नातक आपने रेगुलर किया, रेगुलर आपने फॉर्म में दिखाई है, BA आपने फॉर्म में दिखाई है, तो आपको BA का चरित्र देना है। तो अंतिम संस्थान जहाँ से आपने रेगुलर पढ़ाई की है वो आपको उसका चरित्र देना है सर ठीक है। इस प्रकार से आपको मैं तो ये कहूँगा तीन की जगह आप चार सेट भी बनवा लें, एक तो ओरिजिनल हो जाएगा और ये चार सेट की कॉपी बनवा लें, चार सेट बनवा लें, आपको लाइफ में आगे भी काम आते रहेंगे साथियों, आपको वहाँ बार बार ढूंढने नहीं पड़ेंगे, वो आदेश जो आएंगे और आएंगे उसमें ठीक है। तो ये हो गया आपके, इस प्रकार से सेट बनाना है साथियों। उसमें आपको क्या करना है देखिए, आगे आपका स्थान दिनांक मोबाइल नंबर भरना है, नाम पता भरना है, अभ्यर्थी का आपको हस्ताक्षर करने हैं, अभ्यर्थी का स्वसत्यापन जो है वो आपको भरना है, इसमें खुद का नाम, पिता का, पति का नाम, जाति उम्र वो भरनी है, निवासी भरना है, व्यवसाय भरना है और साइन करने हैं ठीक है। स्व घोषणा पत्र जो है वो आपको, ये प्रिंट आपको मैं दे दूंगा, इसमें आपको तो जो सूचना वो भरनी है जो प्रतियोगिता श्रेणी से हैं तो वो ठीक है, दिनांक जीवित 97 की संख्या वो भरनी है 97, इस प्रकार से आपको भरना है, और उसमें नॉर्मल जो डिटेल है वो भर के आपको क्या करना है उसमें अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करने हैं, और इसमें वो भर के नीचे एक हस्ताक्षर और है वो आपको यहाँ पे आपका नाम लिख के हस्ताक्षर करने हैं। अन्य जो दस्तावेज जितने भी हैं धूम्रपान संबंधित, दहेज संबंधित, विवाहित, अव्यय संबंधित, वो सभी घोषणा पत्र जो फॉर्मेट है वो आपको टेलीग्राम पे सेंड कर रहा हूँ, सभी साथी वहाँ पे जुड़े, टेलीग्राम पे जाके सर्च करें साथियों, अपनी कलम अपनी आवाज़, क्या सर्च करना है अपनी कलम अपनी आवाज़, वहाँ पे लगभग 23-24 हज़ार अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में, आप वहाँ पे जुड़े, वहाँ पे आपको पूरी PDF मिल जाएगी ठीक है साथियों। अन्य कोई भी सवाल आपके बच गए हैं तो कमेंट बॉक्स में रखें, अगले वीडियो में हम बात और कर लेंगे। एक विशेष वीडियो में लेकर आ रहा हूँ कि मैं कौन से किस प्रकार से किस किस में आपको बाहर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट रिव्यू में कहाँ पे बात कर सकते हैं वो इस वीडियो में बात कर लेंगे ठीक है साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।